दिल्ली शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिन सूर्यकांत और जस्टिस भुइया दोनों ने अलग अलग फैसले लिखे, लेकिन दोनों ने ही केजरीवाल को जमानत दे दी है। हालांकि बेल पर दोनों जजों ने सहमति जताई, लेकिन सीबीआई की गिरफ्तारी पर दोनों जजों की राय अलग अलग रही। जस्टिस सूर्यकांत ने केजरीवाल की सीबीआई गिरफ्तारी को वैध ठहराया, जबकि जस्टिस भुइया ने गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई एक प्राथमिक जांच एजेंसी है, ऐसा कोई संकेत नहीं जाना चाहिए कि जांच ठीक से नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के केस में केजरीवाल को यह जमानत दी है। केजरीवाल को 10 लाख के बॉन्ड पर जमानत मिली है। साथ ही वो केस की मैरिट्स पर भी कोई कमेंट नहीं कर सकेंगे। केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की थी, पहली जमानत याचिका को लेकर थी और दूसरी सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी और रिमांड के विरोध में थी। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका स्वीकारते हुए जमानत तो दे दी, लेकिन दूसरी याचिका को अस्वीकार करते हुए सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया। हालांकि जस्टिस भुइया ने इसे लेकर एक बड़ी टिप्पणी कर दी है। जस्टिस भुइया ने कहा कि सीबीआई को पिंजरे के तोते की छवि से मुक्त होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल पर ईडी मामले में मिली अंतरिम जमानत पर लागू शर्तें सीबीआई मामले में भी लागू रहेंगे। वो कोई भी फाइल साइन नहीं कर पाएंगे। जमानत अवधि के दौरान शराब नीति मामले में टिप्पणियां नहीं करेंगे। उन्हें जमानत में पूरा सहयोग करना होगा। वो बतौर सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं। इसके साथ ही वो किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे। केजरीवाल मुख्यमंत्री दफ्तर और सचिवालय नहीं जा सकेंगे। वो किसी भी गवाह से कोई बातचीत नहीं करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर उनको ट्रायल कोर्ट में पेश भी होना होगा, तो पूरा सहयोग करेंगे। ईडी के केस में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है, जबकि ये मामला सीबीआई की ओर से की गई गिरफ्तारी और रेगुलर बेल से जुड़ा था। ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी। वहीं अब सीबीआई केस में भी सर्वोच्च न्यायालय से केजरीवाल को जमानत दे दी गई है। ऐसे में अब उनका जेल से बाहर आना तय हो गया है। अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश ने बताया कि शाम 5 बजे तक जेल से वो बाहर आ जाएंगे। ईडी केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट 5 सितंबर को केजरीवाल के जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखेगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइया की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कई दलीलें पेश की थी। सिंघवी ने अपनी दलील में जज से कहा कि केजरीवाल को तत्काल रेगुलर जमानत मिलनी चाहिए। साथ ही कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी जानबूझकर की गई है और ये भी बताया कि केजरीवाल के खिलाफ कोई नया सबूत और ना ही सीबीआई की एफआईआर में केजरीवाल का नाम है। ऐसे बहुत सारी दलीलें जज के सामने केजरीवाल के वकील ने रखी। वहीं सीबीआई की ओर से मौजूद एएसजी ने कहा कि केजरीवाल शराब घोटाले में मुख्य आरोपी हैं, उनके खिलाफ सबूत है। सिसोदिया, कविता सभी ट्रायल कोर्ट से गुजरे, केजरीवाल सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे हैं। एएसजी ने ऐसे बहुत सारे दलील दी, लेकिन कोर्ट ने एएसजी की ओर से दी गई सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है। आपको बताते चले कि ये मामला दिल्ली सरकार की शराब नीति 2021-22 के निर्माण और आवंटन में कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है। इस नीति को बाद में निरस्त कर दिया गया था। ईडी ने शराब नीति स्कैम के बारे में मनी लॉन्ड्रिंग का एक अलग मामला दर्ज किया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार दिल्ली शराब नीति में संशोधन करके नियमों में गड़बड़ी की गई और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है, लेकिन केजरीवाल की जमानत को सीबीआई ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी थी।